हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़े लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे जिन्हें भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ने उन्होंने लिए अपडेट है। एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, बट एडमिशन किहड़े कोर्सां दी है, जिहड़े कोर्सां दे विच यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टैसट कंडक्ट करती है। कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन या एम ए एम एस सी एम टैक इस तरह के कोर्स ने जिन्हों की एडमिशन एंट्रेंस टैसट के थ्रू होंगी है, तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो आप डिस्कस करा फॉर्म को किवें फिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैं कमेंट किया क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के रिगार्डिंग अपडेट अपलोड करता रहना वीडियो के थ्रू, तो उन्होंने बहुत सारे ने कमेंट किया कि अजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, उसकी एडमिशन किवें होगी। फिर उन्होंने दसिया कि उन्होंने एडमिशन एंट्रेंस टैसट के थ्रू होगी, तो एडमिशन फॉर्म फिल करना पवेगा ऑनलाइन मोड के। फिर उन्होंने इदा पूछा भी असी फॉर्म किस तरह फिल करिए, तो उन्होंने इंक्वायरियां जो कुछ सी उन्होंने सॉल्व कर दो वीडियो के डिस्कस कराएंगे हाउ टू फिल दिस फॉर्म, ये फॉर्म को आप किवें फिल कर सकते हैं। लो जी, तुसी इस वैबसाइट का लिंक जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैनशन करा, तुम डायरेक्ट जाके फिल कर सकते हो ये फॉर्म को। इस तो पहला मैं वीडियो स्टार्ट करने तो पहला दस देव जे कैंडिडेट ये फॉर्म को फिल करे ज अपलाई करे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सा के लिए, उन्होंने जो ये फॉर्म फिल कर दिता है कंप्लीट कर दिता है, वो ये ना समझ साड़ी एडमिशन हो जाएगी। उन्होंने जो उन्होंने एग्जाम होगा एंट्रेंस टैसट, उस तो बाद भी एक प्रोसैस के गुजरना पैना है, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पवेगा। जो भी एंट्रेंस टैसट होया उस तो बाद क्वालीफाई करते हो, उस तो बाद डेट मिलेगी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने की, तुम वो फिल करना ना भुलना। बहुत सारे कैंडीडेट वो फॉर्म फिल करना भुल जाते हैं तो उन्होंने एडमिशन कैंसल हो जाती। इस तो बाद गल करिए जिन्हें भी इंपोर्टेंट डेट्स ने वो अलग वीडियो डिस्कस किया हुआ है, असी शेड्यूल के बारे डिस्कस किया हुआ है हाउ टू गैट एडमिशन वेरियस कोर्स है जेडे जिमें कि एम ए इंग्लिश हो गया, एम ए पब्लिक हैल्थ, इस तरह के काफ़ी कोर्स ने, तो वह अलग वीडियो के डिस्कस कर रखे हैं। उन्होंने कट ऑफ की है, एडमिशन प्रोसैस की है, तुम देख सकते हो, लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। अज की वीडियो आप डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किमें कर सकते हैं, ये फॉर्म को किमें फिल कर सकते हैं। जेकर तुम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो इतने लॉगिन का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, तुम लॉगिन कर सकते हो। सब तो पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, इस तो बाद अपने को इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस वैबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिलेगा, मैं फिर तो कह रहा हाँ तुम देख सकते हो। इस तो पहले मैं तुम्हें फीस दस देव, फीस काफ़ी जो कैंडीडेट फीस को लेकर चिंता के ने 2175 रुपये जो जनरल कैटेगरी एंड एससी एसटी के लिए 1088 रुपये पे करने पैणगे। उस तो बाद एडिशन जोड़े पेपर देना चाहते हैं एससी एसटी या जनरल कैटेगरी वाले एडिशन पेपर जिन्हें भी देने उसके हिसाब के नाल एज पर सब्जैक्ट 575 रुपया पे करना पवेगा उन्होंने। इस तो बाद अपने को इस तरह का इंटरफेस आएगा, इन एक बार तुम्हें रीड कर लेना है, वो दस देना हाँ किमें कि तुम डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, मोबाइल नंबर जो बहुत केयरफुली तरीके फिल करोगे। इस तो बाद फिल करके बेसिक डिटेल, उस तो बाद फीस पे करोगे, फीस पे करने तो बाद तो एडमिशन फॉर्म ओपन होगा जिसे वेरियस को जी डिटेल फिल करते हो। इतने तुम्हें कंटिन्यू का ऑप्शन है, तुम कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने तो बाद काफ़ी जो अपने को ऑप्शन ने जिसे आप बेसिक इनफॉर्मेशन ये फिल कर जा रहे हैं, जिमें कि नेम, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह के काफ़ी जो रहने बेसिक इनफॉर्मेशन वो फिल करके इस तो बाद सबमिट कर देवे। कैंडिडेट को होर भी दसना चाहना है कि जो भी लॉगिन आई डी मिली, जो आप फिल करेंगे एंड से लॉगिन आई डी मिलेगी, स्क्रीनशॉट लैके अपने को रख लेना है, अपना जीमेल तो मोबाइल नंबर अपना ही देना है, किसी दोस्त का, मित्र का, या कैफे वाले का नहीं देना, क्योंकि जो भी कोई इनफॉर्मेशन आएगी या कोई भी अपडेट आएगी एडमिट कार्ड को लेके, तुहाडे एंट्रेंस टैसट को लेके, तो मोबाइल नंबर पर आए हाँ जो थोनों टाइम टू टाइम पता लगता रहे। बहुत सारे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ के भी गलती करते हैं, तो उन्होंने मैं दसना चाहना डेट ऑफ बर्थ के गलती नहीं करनी, तो फॉर्म कैंसल भी हो सकता है।
इस तरह के कुछ जिहड़े डाउट ने स्टूडेंटां नूं मैं पहलां ही दस दिंदा क्योंकि बाद विच कमेंट करनगे। इस तो पहलां कुछ क डिटेल ने मोबाइल नंबर नूं लैके सब कुछ दस चुके हाँ। जिहड़े कैंडीडेट रजिस्टर कर चुके ने सीईटी पीजी कोर्सां लई तां उहनां नूं अलग तों भी एडमिशन फॉर्म फिल करना पवेगा ते इत्थे एडमिशन फॉर्म तुहानूं मिल रहा है। तां सब तों पहलां आपां कैंडीडेट दा नेम फिल करांगे, जो भी कैंडीडेट दा नेम रहेगा जिवें कि हरदीप सिंह फिल कर रहे हाँ। उस तो बाद फादर नेम, जो भी कैंडिडेट का फादर नेम है वो इतने फिल कर देना है। इस तो बाद मदर नेम, जो भी मदर का थोड़ा नेम रहने वाला है ये फिल कर देना है। वीडियो थोड़ी जी लंबी हो सकती है पर तुसी एंड तक जरूर देखो, थोड़े तो डाउट सारे क्लीयर हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ तुसी बहुत केयरफुली तरीके दे नाल फिल कर देनी है। देख सकते हो इस तरह का तुहाडे कोल आ चुके हैं। ईमेल जीमेल जिदा भी तुसी फिल करना चाहो फिल कर सकते हो, जिस तरह मैं इस तरह फिल कर देती है। मैं कोई करेक्ट इनफॉर्मेशन ये नहीं फिल करांगा, मैं फालस इनफॉर्मेशन ही फिल करांगा। इस तो बाद ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन सॉरी ग्रेजुएशन के रजिस्टर नंबर मिले होना यूनिवर्सिटी के वालों वो उ फिल कर देना है। जेकर तुसीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के या पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलेट कॉलेज के स्टडी की है, जेकर तुसीं अदर यूनिवर्सिटी के पढ़े हो या तुसीं अपनी ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की है तो ये फिल करने की कुछ लोड़ नहीं है। उस तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जितों तुसीं अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो मैं ये जिमें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला करा। इस तो बाद कहे ईयर के पास किया है तो मैं ईयर लिख देना हाँ 2021-22 जिस तरह भी लिखना चाहो, जिमें मैं 2022 पास हो जावगा। उस तो बाद जे सारी इनफॉर्मेशन एस एम एस के थ्रू प्राप्त करना चाहते हो तो इतने चैस करते हो क्योंकि जो भी इनफॉर्मेशन मोबाइल नंबर से भी मिले तो जीमेल से भी। इस तो बाद अपना जो भी मोबाइल नंबर रहेगा ये फिल कर देना है। मोबाइल उस तो बाद मोबाइल नंबर फिल करने तो बाद सिलेक्ट करना है अपना टेस्ट सेंटर चंडीगढ़ आ रहा हुशियारपुर लुधियाना मुक्तसर श्री मुक्तसर साहब, तो ये मैं वैसे ही फिल कर रहा चंडीगढ़। इस तो बाद जी मोस्ट इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन रहने वाली है वो कैटेगरी, जेकर जनरल कैटेगरी दे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। जेकर शेड्यूल कास्ट दे तो टिक कर देना है, जेकर जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हो। इस तो बाद कोर्स प्रैफर करना चाहते हो, जिवें मैं इतने एम पी एड एम ए इकनोमिक्स जिस तरह भी तुम करना चाहते हो इतने सिलेक्ट कर देना है। जिमें कि मैं इतने एम ए हिस्टरी के लिए क्लिक करांगा, एम ए हिस्टरी क्लिक करने तो बाद मैं एक ही कोर्स सिलेक्ट करांगा। इस तो बाद अपने को ऑप्शन है ये नोट कर लेना तुम किन्ने कर सकते हो ग्रुप में, इस चीज़ को पढ़ लेना है। जो तो पेरेंट्स है वो बी या सी क्लास के रेगुलर इंप्लाई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जेकर है तो यस करते हो, नहीं फिर तुम नो ते क्लिक करके इतने सबमिट का ऑप्शन है सबमिट से क्लिक कर दे। इतने कैंडिडेट को इनफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी करता है ये पेपर क्लीयर तो क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्लैश होने भी नहीं। इस तरह तुम्हें लॉगइन आई डी मिलेगी, तुम लॉगइन आई डी चैक कर सकते हो। इस तो बाद पे कर देना है जिनी भी थोड़ी अमाउंट बनती हुई पे कर सकते हो। तुम आप न्यू विंडो के ओपन करा इसमें अपना जो लॉगइन आई डी है इसमें कॉपी कर लेना है, इसमें अपने को स्क्रीनशॉट लैके भी तुसी रख सकते हो। इतने लॉगइन आई डी अपन मिल चुकी है, इतने लॉगइन आई डी फिल करांगे। इस तो बाद अपने को पासवर्ड जो भी मिले है इतने पासवर्ड को कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर देवे क्योंकि इस तो बाद लॉग कैप्चा रहने वाला है, कैप्चा फिल कर देवे। ये डिटेल तुसी बहुत ही केयरफुली तरीके दे नाल फिल करनी है, जिमें इतने कैप्चा शो हो रहा मैं कैप्चा फिल कर देवगा। उस तो बाद साइन इन दे अपने को ऑप्शन है साइन इन का, साइन इन ते क्लिक कर देना। इस तो बाद आपको वीरियस जिहड़े कि स्टैप मिलेंगे उस विच तुसी पे किवें कर सकते हो। इत्थे कैंडीडेट का नेम आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया। उस तो बाद दोज कैंडीडेट हु रजिस्टर दैमसैल्फ ऑन द सी टी पी जी वैबसाइट अपलाई फॉर एडमिशन सी ए टी बेस ऑन द एडमिशन, ये एडमिशन फॉर्म है तुहानूं एडमिशन फॉर्म भी फिल करना पवेगा, एडमिशन ऑनलाइन। उस तो बाद पे कर देनी है किहड़े कोर्स के लिए अपलाई किया तुसी देख सकते हो, एम ए हिस्ट्री के लिए। तो इस दे विच तुसी फीस पे करनी है, इतने फीस पे करोगे क्लिक करोगे
क्लिक करने तो बाद अपने को बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ये शायद विंडो ना चले, चलो क्योंकि वेबसाइट बहुत बिजी रहने दे करके प्रॉपर चल नहीं रही। तो देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम आ चुका है, कैटेगरी, उस तो बाद किन्नी फीस उसने पे करनी है। ये फीस तुसी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਪੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਪੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੀਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੇਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।